रीवा जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सेठ बिहारी लाल शासकीय विद्यालय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां से मासूम बच्चों के द्वारा विद्यालय में साफ सफाई का कार्य करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल में गंदगी के चलते बच्चों को खुद ही अपने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके चलते वह हर रोज विद्यालय के भीतर झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए भी मामले से कन्नी काटते नजर आए। उत्कृष्ट विद्यालय हनुमना का मामला है, तो इसमें जो बच्ची झाड़ू लगाते हुए दिख रही है ये आपत्तिजनक है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं, साफ सफाई उनसे कराना चाहिए प्रिंसिपल को। यदि इस तरह की घटनाएं स्कूलों में होंगी, बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर उनके झाड़ू लगवाया जाएगा, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और अब हम ये जरूर इसमें जाँच करवाएंगे कि मतलब कि अपनी इच्छा से ऐसा वहाँ मतलब बच्चियाँ कर रही थी कि अभी मतलब प्रिंसिपल के द्वारा या वहाँ के स्टाफ के द्वारा उनको इस तरह से दबाव बना करके सफाई कराया जा रहा था।